स्वागत है आपका बदायूं शिखर में और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। लखनऊ नाका के खुर्शीदबाग में रहने वाले हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की शुक्रवार दोपहर घर पर आए दो बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मिठाई के डिब्बे में हत्यारे चाकू और तमंचा लेकर आए थे। पुलिस टीम सेल फोन की डिटेल खंगालने के साथ सर्विलांस की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दो सीसीटीवी फुटेज मिली है, एक में दो युवक दिख रहे हैं तो दूसरी में एक महिला भी युवकों के साथ दिखी है। तिवारी के नौकर ने बताया कि दो लोगों ने पहले कमरे में चाय पी, फिर मिठाई के डिब्बे से कट्टा निकालकर फायर भी किया है। इसके बाद तिवारी को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया। उधर कमलेश तिवारी हत्याकांड से लोगों में आक्रोश फैल गया है। कमलेश के समर्थक खुर्शीदबाग कॉलोनी में प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल में बड़ी संख्या में पुलिस बल व पीएसी तैनात की गई है। वहीं कमलेश तिवारी की मां ने रोष में योगी पर भड़ास निकाली है और कहा है कि योगी ने ही कराई मेरे बेटे की हत्या, जबकि पत्नी ने बिजनौर के अनवर उल हक सहित दो अन्य पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सौबातन की एक बात बता दे, जब तक योगी नहीं है तब तक मिट्टी जाए न दिया, जब तक योगी इंसाफ न दे है, क्योंकि योगी सरकार रहे और फतुहा जारी भर है कलेश और आजम खां के जमाने से, तब कोई अंगुरी नहीं लगा पाए से, और योगी की सरकार में हमारे बेटा का मरवाए डरे नहीं योगी, हिंदू हुई के मरवा डरे नहीं योगी, हम योगी पर थोपी भी योगी हमें हमका इंसाफ दे आए। लोग आए तो सिपाही एक बूढ़ा है, वो लेटा हुआ था, दो गनर है, वो पता नहीं दो दिन से आ नहीं रहे हैं कि गुरुजी कि चाय बनाओ बेटा, चाय बनाने लगे, चाय बना के दिए तीन कप। कमलेश तिवारी जी बोले कि बेटा जाओ थोड़ा मसाला लेके आओ, मसाला बहुत खाते थे वो, तो गया मसाला लाने और आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि तिवारी जी टेबल के नीचे खून से लथपथ थे।